देखिए दोस्तों, एसएससी रीजनिंग एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चन ट्रिक है। देखिए, इफ यदि एन एन इज इक्वल टू 95 दे रखा, कितना दे रखा दोस्तों, 95 दे रखा, हैन इज इक्वल टू 135 दे रखा, पेन देन पेन इज इक्वल टू क्या होगा, तो चार ऑप्शन आप सामने, 175, 200 और 325 और 375। अब सबसे पहले देखना है कि ये 95 कैसे बना, ये देखना है सबसे पहले 95 कैसे बना, है ना, एन से 95 कैसे बना, है ना। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एन से 95 कैसे बना, ठीक है। अब देखते हैं कि ई अपना आता है 5 नंबर पे आता है और एन आता है अपना 14 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पर आता है। तो इन दोनों को अगर जो है 14 5 कितना होगा दोस्तों, 19 होगा, लेकिन अपना 95 नहीं बनना। तो 95 बनाने के लिए 19 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करें तो 19 5 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। बिल्कुल ट्रिक, एक बात तो सोल्व हो गई अपनी, 95 हो गया। इसी तरह अगर देखते हैं आगे हैन से क्या होगा, देखें क्या ये ट्रिक, इसमें एच ई एन हैन में लगाते हैं, तो हैन में दोस्तों होगा, देखो हैन में क्या है, एच एच अपना कितने नंबर पे आ रहा है दोस्तों, एच अपना आ रहा है 8 नंबर पे आ रहा है, एच अपना आ रहा है 8 नंबर पे आ रहा है। प्लस अब ई एन का तो अपन देख लिया कि ई एन का कितना बना, 19 बना ना, 14 5 19, ई एन का कितना बना, 19, तो 19 अपन लिख दिया। अब इनको अगर जोड़ेंगे तो 19 ने 20 ने 7 27 होगा। अब 27 5 का मल्टीप्लाई करें तो 5 7 35 का 5 असल 3 5 2 10 3 13 135, बिल्कुल 135 भी आ गया। तो इसी ट्रिक पे अपन पेन का मान निकालेंगे। तो पी को देखते हैं दोस्तों, पेन पी को देखते हैं, पी कितने नंबर पे आता अपना, पी आता है दोस्तों 16 नंबर पे आता है और एन आता अपना 19, दोनों का मिला के 19 हो रहा है, ये पहले देख लिया अपना 19 हो रहा है। तो 16 और 19 जोड़ते कितना होगा दोस्तों, 9 और 10, 19 ने 20 और 30 35। अब 35 में हर बार 5 का मल्टीप्लाई कर रहे तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 का 5 हो जाएगा, आंसर आया 2, 5 3 15 और 2 17, 175। देखते किसी ऑप्शन में आ रहा है, बिल्कुल ए ऑप्शन अपना मैच कर गया, 175 अपना ए ऑप्शन मैच कर गया। आई होप के क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।